हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के एकदम लेटेस्ट वीडियो में। और दोस्तों अभी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, पाकिस्तान की ओर से, भारत की ओर से, और अमेरिका ने पाकिस्तान भारत मुद्दे पर क्या कहा। इसके अलावा दोस्तों 1 सितंबर से बदलने वाले हैं आपके गाड़ी चलाने के नियम भी। इसके अलावा दोस्तों कई सारी बड़ी खबरें निकल के आ रही है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम जान लेते हैं प्रमुख आज की 10 बड़ी खबरें आज दिन भर की। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लाचार पाकिस्तान को अब प्रियंका चोपड़ा से हो रही है चिड़, यूएन में डाली अर्जी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से ही पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। आप सबको तो पता ही है, इसी बौखलाहट में वह दुनिया के कई देशों के पास मदद के लिए गिड़गिड़ा चुका है और भीख भी मांग चुका है। कुछ भी हाथ न लगने के बाद अब पाकिस्तान ने एक और बचकानी हरकत कर दी है। पाकिस्तान के मानवाधिकार मंत्री शिरीन एम मजारी ने यूनिसेफ के चीफ को पत्र लिखकर प्रियंका चोपड़ा को यूएन के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर यानी कि शांति सद्भावना राजदूत के पद से हटाने की मांग की है। इससे पहले कुछ दिन पहले ही भी मजारी एक ट्वीट कर प्रियंका को इस पद से हटाने की मांग कर चुके हैं। दोस्तों मजारी ने प्रियंका चोपड़ा पर युद्धोन्माद फैलाने का आरोप लगाते हुए एक ट्वीट में कहा था कि यूनिसेफ को तुरंत प्रियंका चोपड़ा को अपने राजदूत के पद से हटा देना चाहिए क्योंकि उन्होंने भारतीय सेना और खराब मोदी सरकार का समर्थन किया है। ऐसा नहीं किया गया तो ऐसी नियुक्तियां एक तमाशा बनकर रह जाएंगी। यूनिसेफ को निश्चित ही इस बात ध्यान देना चाहिए कि इन मानद पदों के लिए वह किसे नियुक्त कर रहा है। दोस्तों अब पाकिस्तान की इस बचकानी हरकत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बौखलाया पाकिस्तान, अपनी हरकतों से नहीं आ रहा है बाज, फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। यहाँ दोस्तों कश्मीर मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पिटने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने बुधवार को करीब 4 बजे राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से भारी मात्रा में गोलाबारी की गई। पाकिस्तानी सेना की यह नापाक हरकत अभी भी जारी है जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इससे पहले दोस्तों गुरुवार को पाकिस्तान ने कश्मीर के उरी, राजौरी और केजी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया और तेजी से गोलाबारी करता रहा, लेकिन उसे यहां भी मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब नहीं मिल पाएगा पाकिस्तान को ज्यादा पानी, भारत बना रहा है खास प्लान, पानी पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार अपने हिस्से के पानी को पाकिस्तान में जाने से रोकने पर काम कर रही है। भारत अपने हिस्से का पानी अपने खेतों, उद्योगों के लिए करना चाहता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सिंधु जल संधि से परे भी बहुत बड़ी मात्रा में भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान चला जाता है। हम इस पर प्रमुखता से काम कर रहे हैं कि कैसे हम अपने हिस्से के पानी को पाकिस्तान में जाने से रोके। दोस्तों शेखावत ने कहा कि पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को हम किसान, उद्योग और अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हम हाइड्रोलॉजिकल और टेक्नो फिजिबिलिटी अध्ययन पर काम कर रहे हैं। मैंने निर्देश दिया है कि यह काम जल्दी होना चाहिए ताकि हम अपने प्लान को क्रियान्वित कर सकें। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक देना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर बदलेगी चेतावनी, 1 सितंबर से होगा बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर छपने वाली चेतावनी और फोटो आगामी 1 सितंबर से बदल जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद नियम 2008 में संशोधन करके सभी तंबाकू उत्पाद पैक के लिए स्वास्थ्य चेतावनियों के एक नए सेटों को जारी कर दिया है। मंत्रालय द्वारा यह अधिसूचना GSR 331E 3 अप्रैल 2018 को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद में दूसरा संशोधन नियम 2018 में संशोधन करके जारी की गई है। संशोधन नियम 1 सितंबर 2018 से लागू किए गए हैं। दोस्तों उक्त अधिसूचना की छवि 1 सितंबर 2018 से प्रभावी हुई और इस तरह 1 सितंबर 2019 को या उसके बाद निर्मित पैकेज और आयातित सभी तंबाकू उत्पादों पर छवि 2 प्रदर्शित की जाएगी। दोस्तों दूसरी छवि पर यानी कि दूसरे चित्र पर एक ऐसा टोल फ्री नंबर दिया जाएगा जिस पर लिखा होगा कि अगर आप तंबाकू छोड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके सहायता या फिर परामर्श ले सकते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से भारत सरकार का एक ये बहुत ही अच्छा कदम है, जो लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं उनके लिए यह काफी लाभदायक होगा क्योंकि जानकारी के अभाव में वह ऐसी चीजों तक
नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से वे लोग इस बुरी लत को छोड़ सकें। दोस्तों सरकार के बारे में इस नियम पर आपके क्या ख्यालात हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। आर्टिकल 370 और पीएम मोदी की वापसी ने बीजेपी को किया और ज्यादा मजबूत। सदस्यता अभियान ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले का जबरदस्त असर बीजेपी की सदस्यता अभियान पर भी देखने को मिला है। इस बार पार्टी के सदस्यता अभियान ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। 6 जुलाई से 20 अगस्त तक चले सदस्यता अभियान में लगभग 3,80,00,000 नए सदस्य बने हैं। हालांकि इनकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। पार्टी की आईटी शाखा द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद औपचारिक घोषणा होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। अब ट्रैफिक नियम तोड़ा तो भरना होगा भारी जुर्माना। 1 सितंबर से लागू हो रहा है नया कानून। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है, तो पूरा ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों देश में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हाल ही में मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 संसद में पास हुआ था। संशोधन बिल के कई प्रावधान 1 सितंबर 2019 से लागू होंगे। नए कानून में यातायात के नए नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए नए यातायात नियमों को। दोस्तों पहला नियम है, नाबालिग के गाड़ी चलाने पर पेरेंट को सजा दी जाएगी। पेरेंट्स वाहन मालिक को 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी यह जुर्माना केवल 100 रुपए था, इसे दोस्तों 10 गुना बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही 3 माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त होगा। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर अभी तक 1,000 रुपए का जुर्माना लगता था, लेकिन अब इसे 5,000 रुपए कर दिया गया, यानी कि 5 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर अभी 500 रुपए का जुर्माना लगता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 गुना कर दिया है, अब इसे 5,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं दोस्तों सीट बेल्ट पहने बगैर गाड़ी चलाने पर 100 रुपए जुर्माने की जगह अब बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होने के बावजूद गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना है। वहीं दोस्तों शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना है। ओवर स्पीड यानी कि जो स्पीड लिमिट है उसको पार करने पर पहले 400 रुपए का फाइन लगता था, उसे अब बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं दोस्तों अगर आप गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करते हैं तो फिर भी आप सुन लीजिए, क्योंकि फोन पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर पहले 1,000 रुपए का जुर्माना लगता था, लेकिन दोस्तों अब इसे बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है, यानी कि 5 गुना बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों अब इस जुर्माना राशियों पर आप अपनी राय जरूर दीजिए कि सरकार ने यह जुर्माने की राशियां बढ़ाकर अच्छा काम किया या फिर गलत काम किया। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसके बाद दोस्तों रुख कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। 1 दिसंबर से टोल हो जाएंगे कैश फ्री, बिना फास्टैग वाली गाड़ियों की हाईवे पर होगी नो एंट्री। जी हां दोस्तों, मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 अब कानून का रूप ले चुका है। सरकार इस कानून को सख्ती के साथ लागू करने में जुट गई है। हालांकि शुरुआत में कानून के कुछ प्रावधानों को ही लागू किया जाएगा, धीरे धीरे कानून के अन्य प्रावधानों को भी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। अब दोस्तों फास्टैग वाला नियम यह है कि आप जब भी हाईवे पर जाते हैं तो आपको टोल कटाना पड़ता है वहां पर रुककर, लेकिन फास्टैग की फैसिलिटी में यह होता है, एक बारकोड आपकी गाड़ी पर चिपका दिया जाता है। जैसे ही आप किसी टोल को पार करेंगे तो उस बारकोड में जो आपका पैसा डाला होगा वो अपने आप से कट जाएगा, यानी कि लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसा फास्टैग वाला बारकोड नहीं लगा हुआ है तो आप इसे लगवा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा। अगर आपके पास फास्टैग नहीं होगा तो आपकी गाड़ी टोल प्लाजा को पार नहीं कर पाएगी और आपके लिए बड़ी समस्या हो सकती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल के रेट में नहीं हुआ बदलाव, डीजल का भाव भी रहा स्थिर। जी हां दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में चल रही नरमी से घरेलू बाजार में बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बुधवार को पेट्रोल के रेट में लगातार दूसरे दिन कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों जान लेते हैं आज के दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71.84 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 65.11 रुपए प्रति लीटर के पूर्व स्तर के भाव पर ही रही है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का।
जम्मू कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान ने आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट जाने का किया फैसला, तो भारत ने भी दे दिया जवाब। कहा, जहां जाना है जाओ, वहीं आकर जवाब देंगे। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा अनुच्छेद 370 हटाकर खत्म कर दिया। इसके बाद से पाकिस्तान इस मुद्दे पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचने का प्रयास कर रहा है और समय समय पर दूसरे देशों से भीख भी मांग रहा है, लेकिन अपने इन प्रयासों में उसे बुरी तरह से विफलता हाथ लगी है, जिसके बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मुद्दे को उठाने की बात कही थी। लेकिन भारत ने पाकिस्तान की इन धमकियों को बिल्कुल भाव नहीं दिया। भारत के प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि प्रत्येक देश को उसके पास उपलब्ध प्रत्येक रास्ते को अपनाने का इख्तियार है। हमारी सोच भी अलग अलग है। अगर वे हमसे अलग अलग अखाड़ों में निपटना चाहते हैं तो हम भी उसी अखाड़े में जवाब देंगे। यह उनकी पसंद का अखाड़ा है। उन्होंने एक बार कोशिश की लेकिन वे नाकाम रहे। यहाँ पर उनका इशारा कुलभूषण जाधव वाले केस से था। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।